जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ओम शोम एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आभार है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्तों, सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमें फेसबुक पर भी डॉक्टर ओम शो से जुड़ सकते हैं, ट्विटर पर भी डॉक्टर ओम शो से जुड़ सकते हैं, और आप सोशल नेटवर्किंग पर हमसे ज़रूर जुड़ें। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर लिखें, और बस इसी तरह हमें प्यार आप जो दे रहे हैं, आप सभी का बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सब कुछ होना है, जो सब कुछ होना है का अर्थ अगर आप देखेंगे, और सब कुछ होना है जो एक पूरे परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे, तो वो सबसे पहली बात है कि आपको बहुत बार ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में अब कुछ बाकी नहीं है। आपको कई बार ये लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, या ऐसा होना चाहिए, या ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अलग अलग राय, एक अलग अलग बात हर व्यक्ति की किसी भी घटना जीवन की परिस्थितियों पर होती है। पर आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा उन घटनाओं के बारे में कि जो घटनाएं आपके लिए अच्छी नहीं थी। सब कुछ होना है, यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं सब कुछ पहले से डिसाइडेड है। आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें हमने कई बार देख चुके हैं, या ये चीज़ें मुझे पता थी। जो सिक्स सेंस बहुत बार कहते हैं, छठी इंद्री बात कहते हैं, उसका अर्थ सीधे से शब्दों में ये कह सकता हूँ कि आभास होना, आने वाले कल का आभास होना, कल का अंदाज़ा लगाना, ये एक भाव है उसका। पर दोस्तों, यहाँ पर आप किससे मिलेंगे, किसके साथ बात होगी, आपका जीवन कैसा कटेगा, और क्या क्या चीज़ें आपके साथ घटित होंगी, ये सभी चीज़ें बिल्कुल वेल डिसाइडेड हैं। जो होना है वो होके रहेगा, जो नहीं होना है वो नहीं होगा। तो यह सब कुछ होना है। अगर आपका माइंड सेटअप पॉजिटिव है तो सब कुछ आपके साथ पॉजिटिव होगा, अगर आपका माइंड सेटअप नेगेटिव है तो आपके साथ नेगेटिव घटित होगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, उसके पीछे का परिपेक्ष भी आप समझ लें, कि आप अभी जहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी जहाँ पर आपके सामने वो स्थितियाँ खड़ी हैं कि जब आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से शायद जीवन अब आगे चलना मुश्किल है, इसका मतलब ये समझिएगा कि आने वाला कल आपका बहुत उज्ज्वल है। जब दीप अपने सबसे न्यूनतम स्तर पर हो, तो समझिएगा कि वो अभी और जलना बाकी है। तो वही कंडीशन में आप अभी खड़े हैं। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ दोस्तों, कि बहुत से जातकों को मैं समझाता हूँ दिन रात, पर उन्हें ये बात समझ नहीं आती है कि जीवन में सकारात्मकता रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जीवन में अपनी मस्ती में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आनंद में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ईश्वर का हमेशा जप और नाम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जमीन जायदाद यहाँ हाथ में कुछ जाने वाला नहीं है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कई बार आप इस बात को महसूस भी कर चुके हैं। जीवन का कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाता है, पर हमें अभी इस पल को, इस वक्त को बहुत खुलकर जीना चाहिए। सब कुछ बाकी है अभी, यही आपसे निवेदन कर रहा हूँ हर बार, कि आप खुलकर जिए, बहुत अच्छे से जिए, सकारात्मक होकर जिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो की जानकारी कैसी लगी, अपनी राय ज़रूर कमेंट्स में लिखें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करेंगे आप, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें अगर आपको अच्छा लगा हो, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जय श्री महाकाल कमेंट्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, आप मुस्कुराते रहें, हमेशा खुश रहें, बस यही मेरी दुआ है। उसके लिए आप केवल श्री राम, जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।